हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस। थैंक यू। जय माता जी। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों, आपका स्वागत है। SYBCOM सेमेस्टर 4 के अंदर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग सब्जेक्ट हमने चालू किया है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग टॉपिक हमने चालू किया है बच्चों, जिसके अंदर पहले लेक्चर में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या है, उसके अंदर कैसे कैलकुलेशन होता है और उसमें ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में कैसे वर्क होता है बच्चों आपको दिखाया। तो आपने मोस्टली देखा होगा कॉस्ट का मीनिंग टोटल एक्सपेंडिचर अराइजिंग बिटवीन प्रोडक्शन टू सेल, पर यह पूरा टॉपिक बच्चों ऑपरेटिंग कॉस्टिंग रिलेटेड है सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस से। ठीक है, तो ये पूरे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग टॉपिक में बच्चों आपको कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करना है, और सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस के अंदर हमने कैलकुलेशन स्टार्ट किया था ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग, और ट्रांसपोर्ट के अंदर बच्चों दो पार्ट आएंगे, रोड एंड रेलवे। ठीक है, अब इसके अंदर बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं लेने जा रहा हूँ, सम नंबर 16। पर बच्चों रोड और रेलवे में कैलकुलेशन कई बार होता है टन किलोमीटर में, कई बार होता है किलोमीटर में, कई बार होता है पैसेंजर किलोमीटर में, कई बार होता है माइल्स के अंदर। ठीक है, तो इसमें बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं कैलकुलेशन के चार्ट, डिस्टेंस। ये आज कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में तो डिस्टेंस मोस्टली किलोमीटर में होता है, 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, इस प्रकार का है 5 माइल। फिर वर्ड आता है बच्चों कैपेसिटी। अब कैपेसिटी का मीनिंग होता है अगर पैसेंजर किलोमीटर हुए तो उसमें दिए होंगे पैसेंजर, जैसे 50 पैसेंजर। ठीक है, और टन किलोमीटर में तो दिए होंगे 5 टन, तो यहां को टन या फिर पैसेंजर लिखना है। उसके बाद है ट्रिप्स। यस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आएगा कैलकुलेशन में बच्चों ट्रिप्स। ट्रिप्स का मीनिंग है बच्चों एक बार जाना। अब कई बार लोग आपको वन राउंड ट्रिप मीनिंग देंगे, तो वन राउंड ट्रिप का मीनिंग क्या समझना है, दो ट्रिप, एक बार जाना जाके वापिस आना। दो राउंड ट्रिप हो तो 4 ट्रिप, एटले ध्यान रखो एक राउंड ट्रिप माटे एक नहीं लिखवाना, उसकी जगह पे 2 ट्रिप लिखनी है। और उसके बाद डेज होंगे बच्चों, तो जनरली अप्रैल महीना दिया हो तो आपको होता है 30 दिन है, मई हो तो 31, और सूचना दी हो 25 दिन तो आपको 25 लेना है। इस प्रकार से डिस्टेंस इनटू कैपेसिटी इनटू ट्रिप्स एंड डेज वर्ड यूज करके आपको ऑपरेटिंग कॉस्टिंग टॉपिक में रेलवे या फिर रोड ट्रांसपोर्ट के लिए कैलकुलेशन करना है बच्चों, टन किलोमीटर का, पैसेंजर किलोमीटर का, जो पहले लेक्चर के अंदर दिया हुआ था बच्चों। ठीक है, तो पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सम नंबर 16। आप स्क्रीन पे देख सकते हो चार वर्ड का यूज करके कैसे कैलकुलेशन होता है, सम नंबर 16। चलो बच्चों, अब हम लेने जा रहे हैं सम नंबर 16, पेज नंबर 41, होमवर्क में 3। सेम टाइप का क्वेश्चन बच्चों, आज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग टॉपिक एकदम स्टेबल मोड में आ जाएगा, ध्यान देना बच्चों। पेज नंबर 41, नवभारत ट्रैवल कंपनी रनिंग अ 4 बसेस एट अहमदाबाद टू मोहड़ी, 50 किलोमीटर टोटल स्टेज, सिटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बस 40 पैसेंजर, पैसेंजर कैरिड 75% ऑफ कैपेसिटी, ऑल 4 बसेस रन ऑल डे ऑफ अप्रैल, ईच बस मेड 1 राउंड ट्रिप, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वेयर ऑप्टेन फ्रॉम द बुक्स फ्रॉम अप्रैल 06 फॉर बसेस, वेजेस ऑफ ड्राइवर, ऑफिस सैलरी, डीजल, रिपेयरिंग, रोड टैक्स, डेप्रिशिएशन, इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस, एनुअल फाइन कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, पर पैसेंजर किलोमीटर हमें कॉस्ट फाइंड करनी है बच्चों। चलो अब नज़र बोर्ड पे, सबसे पहले पैसेंजर किलोमीटर में कॉस्ट फाइंड करनी हो तो सम में मुझे कहीं भी पैसेंजर किलोमीटर्स नहीं दिख रहे हैं, और पैसेंजर किलोमीटर का मैजिकल फॉर्मूला है डिस्टेंस इनटू कैपेसिटी इनटू ट्रिप्स इनटू डेज। चलो फर्स्ट पैराग्राफ में बच्चों अहमदाबाद से मोवड़ी के बीच का डिस्टेंस है 50 किलोमीटर, कैपेसिटी 40 पैसेंजर की है, पर 40 पैसेंजर है उसका मात्र 75%, कई बार गाड़ी खाली होते हैं बैठते हैं, आई थिंक 30 पैसेंजर आएगा। और ट्रिप पैराग्राफ में बोला है ईच बस मेड 1 राउंड ट्रिप, 1 राउंड ट्रिप का मीनिंग होता है बच्चों 2 ट्रिप इनटू डेज, ये अप्रैल महीने का सम है तो अप्रैल में मेरे ख्याल से 30 डेज होंगे। अब जैसे बच्चों आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, पर मेरा ध्यान जा रहा है ऑल बसेस 4 बसेस का सम है, तो लास्ट में बच्चों आप यहाँ या यहाँ कहीं ना कहीं आपको 4 बस से मल्टीप्लाई करना है,
जैसे मल्टीप्लीकेशन करोगे बच्चों, आई थिंक वैल्यू आएगी 360,000, अथवा बीजी रीत 50 किलोमीटर, 30 पैसेंजर, दो ट्रिप एक बस की है तो चार बस यहाँ ले लो इनटू 30 डेज, आ रीते लखो तो भी चले। ये हो गए आपके पैसेंजर किलोमीटर। अब बच्चों कहीं ना कहीं सम में आपको किलोमीटर की जरूरत पड़ेगी, तो ये जो फॉर्मूला है उसमें से आप कैपेसिटी निकाल दो तो आपको किलोमीटर मिल जाएंगे। 50 किलोमीटर इंटू 30 पैसेंजर, उसको निकाल दो बच्चों, दो ट्रिप चार बस इंटू 30 डेज, ये तीन को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ओनली किलोमीटर मिलेंगे बच्चों 12,000। ये हो गए ओनली किलोमीटर। अब मैं बच्चों आपके सामने स्टेटमेंट प्रिपेयर करने जा रहा हूँ, स्टेटमेंट शोइंग ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। आगे हमने जो फर्स्ट सम किया बच्चों, मेरे ख्याल से उससे ये थोड़ा इजी है। नज़र बोर्ड पे, बॉडी फिक्स्ड वर्ड लगातार कंटिन्यू, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। चलो वीडियो में चेक कर लेता हूँ बच्चों, कुछ कट ऑफ नहीं हो रहा है, यस परफेक्ट वे पे आ जाता है, ठीक है। चलो सबसे पहले बच्चों पर्टिकुलर्स, यहाँ आएगा डेटा मंथली और फिर पर पैसेंजर किलोमीटर, टोटल पैसेंजर किलोमीटर आए हैं 360,000। यहाँ मुझे फर्स्ट हेडिंग देना है बच्चों फिक्स्ड कॉस्ट। चलो रीडिंग स्टार्ट करूँ बच्चों, बहुत ही प्यारा छोटा समय, वेजेस ऑफ फोर ड्राइवर, यस चार बस का आंसर है वेजेस ऑफ ड्राइवर, जिसकी वैल्यू आएगी बच्चों एग्जैक्टली 12,000, अप्रैल महीने की इंफॉर्मेशन है। ऑफिस स्टाफ सैलरी जो मुझे दिखाई दे रही है बच्चों एनुअल ना चले, हमें चाहिए मंथली, तो क्या करूं, डिवाइड बाय 12 करो, 192 को डिवाइड बाय 12 करोगे बच्चों तो मंथली वैल्यू आएगी 60,000। तीन नंबर, उसके बाद डीजल वेरिएबल, रिपेयरिंग वेरिएबल, रोड टैक्स एंड इंश्योरेंस, यस ये फिक्स है, उसकी वैल्यू है बच्चों एनुअल 48,000 ना चले। ये लोग ऐसा समझते हैं जैसे हमें मंथली फाइंड करना नहीं आता है, 4,000। डेप्रिशिएशन वेरिएबल, इंटरेस्ट एंड अदर चार्ज ले लो, जिसकी वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है बच्चों 48,000। आई थिंक ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट पूरा हुआ, और फिक्स्ड कॉस्ट का टोटल होगा, एक मिनट, इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस एनुअल, गलती से मिस्टेक, 12 से डिवाइड करना रह गया 4,000। अब बच्चों 12, 16, 4, 4 टोटल आएगा 36,000, और 36,000 को 360,000 से डिवाइड करोगे तो मैजिकल फिगर आएगा 0.10। अब बच्चों मुझे चाहिए वेरिएबल कॉस्ट, उसमें सबसे पहले आएगा मैजिकल फिगर ऑफ डेप्रिशिएशन, ओ चेहरा गया हुआ है चेहरे पे खुशी, एनुअल छे ना चाले, 96 डिवाइड बाय 12 तो मंथली कितना होगा 8,000, और 8,000 को 360,000 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी 0.02। सेकंड नंबर में है बच्चों डीजल ऑयल, मैंने बच्चों यहाँ किलोमीटर फाइन किए थे इसके लिए, पर मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं, 18,000 डिवाइड बाय 360,000 करोगे तो वैल्यू आएगी आई थिंक 0.05। स्टेटमेंट कंटिन्यू है, और तीन नंबर में बच्चों मुझे दिख रहा है आई थिंक रिपेयरिंग वेजेस डीजल रिपेयर्स, रिपेयर्स की वैल्यू है 10,000, जिसको डिवाइड करोगे 360,000 किलोमीटर से तो 0.027। यहाँ टोटल करोगे तो आएगा वेरिएबल कॉस्ट, और नीचे आएगा ओवरऑल टोटल कॉस्ट 8, 18, 26 और 10, 36,000। यहाँ आएगा 72, और फिर विदाउट ब्रेक 72 को आप डिवाइड करोगे तो मेरे ख्याल से 0.20, यस ये हो गया बच्चों आपका बहुत ही प्यारा छोटा सम, सम नंबर 16। वीडियो पॉज कीजिए और एकदम आराम से बच्चों ये सम को नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं हम लोग, होमवर्क में लेटेस्ट 7
पेज नंबर 33, ये लेटेस्ट 7 है बच्चों, खास ध्यान रखना, ठीक है। और टेक्स्ट बुक कैल्सी और फुल के बुक के साथ रेडी हो जाओ, मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट टू अ ट्रक ऑफ 5 टन कैपेसिटी, गुजरात ट्रांसपोर्ट कंपनी, कॉस्ट ऑफ ट्रक 5 लाख, लाइफ 10 ईयर, स्क्रैप वैल्यू 10%, ड्राइवर सैलरी, किनर सैलरी, इंश्योरेंस, रोड टैक्स, उसके बाद बच्चों मुझे दिखाई दे रहा है सुपरवाइजर सैलरी, डीजल, ऑयल। पैराग्राफ में ट्रक कैरीड गुड्स बिटवीन 2 सिटीज, 50 किलोमीटर, इट टेक्स 2 राउंड ट्रिप्स, इट गेट फ्रेट अप टू फुल कैपेसिटी वाइल आउटवर्ड जर्नी, गेट अप टू 60% ड्यूरिंग रिटर्न जर्नी, फाइंड आउट कॉस्ट पर टन किलोमीटर। ओके चलो बच्चों, पर टन किलोमीटर कॉस्ट चाहिए हमें। सबसे पहले स्टेटमेंट शोइंग ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट, ठीक है, टोटली नजर बोर्ड पे बच्चों। यस, स्टेटमेंट का फॉर्मेट इस प्रकार से बच्चों, पर्टिकुलर्स, एग्जाम्पल में डेज दिया हुआ है तो सब मंथली है, और यहाँ चाहिए मुझे पर टन किलोमीटर, ठीक है। सबसे पहले आएगा बच्चों फिक्स्ड कॉस्ट। अब मुझे पता नहीं है जगह कितनी यूज़ होगी, तो मैं यहाँ तक नोटिंग के लिए जगह छोड़ देता हूँ, ठीक है। चलो सबसे पहले बच्चों, जब भी आपको टन किलोमीटर में आंसर करना हो तो आपके पास टन किलोमीटर होने चाहिए। पहले लेक्चर के अंदर दोनों सम के अंदर किलोमीटर और टन किलोमीटर अवेलेबल थे, आज टन किलोमीटर का फर्स्ट टाइम आपके सामने फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं। डिस्टेंस इनटू कैपेसिटी इनटू ट्रिप्स इनटू डेज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देख लो बच्चों, डिस्टेंस, कैपेसिटी, ट्रिप्स एंड डेज। अब मैं लास्ट पैराग्राफ फिर से रीडिंग करके समझा रहा हूँ। द ट्रक कैरीज गुड्स बिटवीन 2 सिटीज, डिस्टेंस 50 किलोमीटर, इट मेक्स 2 राउंड ट्रिप। एक राउंड ट्रिप नो मीनिंग था 2 ट्रिप, वहीं थी अहमदाबाद जाऊँ, एक ट्रिप अहमदाबाद थी पाछा, वो 2 ट्रिप, तो 2 राउंड ट्रिप का मीनिंग होगा डेली 4 ट्रिप। इट गेट फ्रेट अप टू फुल कैपेसिटी वाइल आउटवर्ड जर्नी, जाते समय माल गाड़ी पैक होती है और रिटर्न में मात्र 60%। तो जब भी बच्चों आने का और जाने का इंफॉर्मेशन अलग हो तो टन किलोमीटर में आउटवर्ड और रिटर्न, ये दोनों अलग अलग गिनना है। चलो डिस्टेंस, तो जाते समय बच्चों 50 किलोमीटर, तो वापस आते समय भी कितना होगा 50 किलोमीटर। जाते समय कैपेसिटी है 5 टन फुल, पूरे पूरा 5 टन, और रिटर्न में 5 टन का 60% यानी 3 टन। क्या लाओ, किलोमीटर 50, जवाना ने अवाना टन अलग से निकला अलग गण। अगर जाने के आने के टर्म सेम होते तो हम लोग एक ही लाइन लेते। पची ट्रिप, टोटल 2 राउंड ट्रिप बोला है, 2 राउंड ट्रिप में मीनिंग था बच्चों 4 ट्रिप, तो इसका मीनिंग एक दिन में 2 ट्रिप जाने की 2 आने की, तो 4 ट्रिप में 2 ट्रिप ऊपर लेवानी बच्चों और 2 ट्रिप नीचे, हो गई 4। और डेज, ये आई थिंक 25 डेज दिए हुए सब में, जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों इंफॉर्मेशन के अंदर, यस हमें टन किलोमीटर मिलेंगे आउटवर्ड और रिटर्न के मल्टीप्लाई करके बच्चों चेक कर रहा हूँ। यस, पहले में आएंगे 12,500, दूसरे में आएंगे 7,500, और टोटल आएंगे 20,000 किलोमीटर। ये हो गया बच्चों टोटल टर्न किलोमीटर, जब आप चेक करो तो। यस, अब यहाँ टॉप पे रख देता हूँ बच्चों में 20,000 किलोमीटर, ठीक है। अब कहीं ना कहीं सम में बच्चों जरूरत पड़ती है ओनली किलोमीटर की, तो ओनली किलोमीटर ढूंढने हो तो हमें सम के अंदर ये जो 4 वर्ड है उसमें से ट्रिप निकाल देना है, डिस्टेंस इनटू सॉरी कैपेसिटी निकाल देनी है, ट्रिप्स इनटू डेज। टन किलोमीटर से मैं टन काट ना को तो शू मे ओनली किलोमीटर, देख लो 50 किलोमीटर, ट्रिप्स लेनी है हमें 2 ट्रिप जाने की, फिर डेज 25, सेम 50 किलोमीटर 2 ट्रिप आने की 25, जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों आई थिंक ओनली किलोमीटर आएंगे 5000, 2500। ये बच्चों जरूरत पड़ेगी कि नहीं मुझे नहीं पता है, तो आज नवू शू सीख्या बाड़को, कई रीते आउटवर्ड जती वक्त ने रिटर्न ने अलग अलग गणतरी कर जॉइंट करू। चलो अब बच्चों में खर्च स्टार्ट करना हूँ, पहली लाइन टेबल स्टार्ट करूँ छू। हमें बगल वाला को मगज में फिक्स करो, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल दो भाग करने हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट के। फिक्स में क्या आता है वो कभी फिक्स नहीं है, पर वेरिएबल में डेप्रिसिएशन, पेट्रोल डीजल, पावर, टायर ट्यूब,
रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस, इसके सिवा ना समझ आए वो सब फिक्स। चलो कॉस्ट ऑफ ट्रक, एस्टिमेटेड लाइफ, स्क्रैप वैल्यू, वो रिलेटेड है डेप्रिसिएशन से। ड्राइवर का सैलरी लेते जाओ, यस फिक्स कॉस्ट में फर्स्ट एक्सपेंडिचर है बच्चों ड्राइवर सैलरी, जिसकी वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है अगेन मंथली है 2500। उसके बाद है क्लीनर सैलरी, क्लीनर सैलरी जो मुझे दिखाई दे रही है मंथली 1500। उसके बाद है बच्चों इंश्योरेंस, इंश्योरेंस की वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है ईयरली 6000। ना चले ईयरली हो तो उसे डिवाइड बाय 12 करो, मंथली कितना हो जाएगा 500। रोड टैक्स बोलो, चार नंबर के अंदर रोड टैक्स मुझे दिखाई दे रहा है बच्चों फिर से ईयरली 3000 डिवाइड बाय 12 करो। जैसे 3000 को डिवाइड बाय 12 करोगे वैल्यू आएगी 250 रुपये। उसके बाद बच्चों मुझे दिख रहा है सुपरविजन एक्सपेंसेस, यस सुपरविजन एक्सपेंसेस है ईयरली 4800। ना चाले उसे मंथली कन्वर्ट करना हो तो 400। उसके बाद डीजल वेरिएबल, रिपेयरिंग वेरिएबल, आई थिंक मेरे ख्याल से फिक्स्ड कॉस्ट सारी पूरी हुई। यहाँ टोटल करो, ये हो गया फिक्स्ड कॉस्ट, मैं चेकिंग कर लेता हूँ बच्चों कोई मिस्टेक ना हो, यस 5150। और जैसे मुझे 5150 मिला बच्चों उसको मैं 20,000 टन किलोमीटर से डिवाइड करूँगा तो मुझे पर टन किलोमीटर कॉस्ट मिलेगी 0.2575, ठीक है। अब मुझे लेना है बच्चों डेंजरस वेरिएबल कॉस्ट, उसमें सबसे पहला पॉइंट डेप्रिसिएशन, जिसका फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। पहली लाइन में मशीन का कॉस्ट मुझे दिख रहा है बच्चों 5 लाख, स्क्रैप वैल्यू 10% बोला है यानी 50,000, और लाइफ मुझे दिखाई दे रही है 10 ईयर। जैसे बच्चों इसे डिवाइड करोगे वैल्यू आएगी 45,000, पर ये 45,000 पर एनम है। जैसे इसे आप 12 से डिवाइड करोगे बच्चों वैल्यू आएगी 3750 इज द मैजिकल फिगर ऑफ डेप्रिसिएशन। इसको 20,000 टन किलोमीटर से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से 0.1875, फिर भी आप लोग चेकिंग कर लेना बच्चों। चलो आप देख सकते हो फिक्स्ड कॉस्ट एकदम आराम से मैंने कॉपी किए बच्चों। अब आपके सामने है वेरिएबल, चलो वेरिएबल के अंदर सफर को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। सेकंड पॉइंट वेरिएबल में सेकंड पॉइंट है बच्चों मेरे ख्याल से डीजल ऑयल, हाँ उसमें मुझे दिखाई दे रहा है 10 रुपीज पर लीटर, और नीचे की लाइन में किलोमीटर पर लीटर डीजल 10 किलोमीटर, 1 लीटर उसका 10 रुपये खर्च है और 1 लीटर के अंदर चलती है 10 किलोमीटर गाड़ी, तो ये बच्चों 10 किलोमीटर का खर्चा हुआ, 10 किलोमीटर का 10 रुपये, तो टोटल 5000 किलोमीटर का हाउ मच। जैसे आप हाउ मच करोगे बच्चों यस वैल्यू आएगी 5000, और 5000 को 20,000 से डिवाइड करोगे तो आएगी 0.25। चलो उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेंडिचर बच्चों रिपेयरिंग एंड एक्सपेंसेस, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस, यस रिपेयर्स एक्सपेंस मंथली 1100 को आप अगर 20,000 से डिवाइड करते हो बच्चों तो वैल्यू आएगी 0.055। आई थिंक सम पूरा हुआ। देख लो बच्चों वेरिएबल के अंदर डेप्रिसिएशन, डीजल ऑयल, रिपेयरिंग हो गया। वेरिएबल में नियम दोनों दिखाना है, फिक्स में नियम टोटल करो सीधा डिवाइड करो। अब यहाँ आएगा टोटल जिसे हम नाम देंगे वेरिएबल कॉस्ट, और उसके बाद आएगा बच्चों ओवरऑल कॉस्ट। चलो वेरिएबल कॉस्ट का टोटल मुझे दिख रहा है बच्चों 9850, 5150 प्लस 9850 इक्वल टू 15,000। और यहाँ बच्चों ब्रेक नहीं करना है, कंसिस्टेंट इसका टोटल करोगे तो आएगा 0.75, और उसे टैली करना हो तो 15,000 को 20,000 से डिवाइड करो। ये हो गया बच्चों आपका सम नंबर 12, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, होमवर्क में आप करोगे लेटेस्ट 7। अब कई बच्चों को लेटेस्ट 7 सम मिलेगा नहीं, इसलिए मैं लेटेस्ट 7 के भी हिंट दे देता हूँ जिससे आपको ढूंढने में बहुत ही आसानी हो।
यस लेटेस्ट 7 का नंबर है बच्चों 60/8, पेज नंबर 60/8 और उसका नाम है DCM। शू नाम है DCM। ये सब होमवर्क जिसको करना हो ढूंढ सकता है। एकदम आराम से वीडियो पॉज करो बच्चों और अपीरे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। चलो बच्चों हम लेने जा रहे हैं मोस्ट आईएमपी सम 35। अब देख सकते हो व्हाट पे, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में भी आने के चांस है। पहलो यूनिवर्स नो मोस्ट आईएमपी सम, पेज नंबर 57। पेज नंबर बच्चों लिख देता हूँ जिससे हमें पेज नंबर ढूंढने में दिक्कत ना हो। सम का नाम है गोल्डन ट्रांसपोर्ट। ओके रेडी बच्चों, गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज अ रिस्पेक्ट ऑफ ट्रक ऑफ 5 टन कैपेसिटी। नीचे फिर खर्च है बच्चों, लास्ट पैराग्राफ, ट्रक कैरीज गुड्स डिस्टेंस बिटवीन 40 किलोमीटर, आउटवर्ड ट्रिप फ्रेट अवेलेबल फुल, रिटर्न ट्रिप फ्रेट अवेलेबल 50%। एज्यूमिंग दैट द ट्रक रन ऑन एवरेज 25 डेज, ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर मंथली कॉस्ट शीट, और फिर सेकेंड और थर्ड में कुछ फ्रेटेज और प्रॉफिट मांगा है बच्चों, वो लास्ट में करवा रहा हूँ। मोस्ट टाइम भी सम बच्चों, चलो नजर बोर्ड पे। सबसे पहले इसमें आपको काउंट करना पड़ेगा बच्चों, टन किलोमीटर में आंसर चाहिए तो सबसे पहले आपके पास होने चाहिए टन किलोमीटर, और इसका नॉर्मल फॉर्मूला है डिस्टेंस इनटू कैपेसिटी इनटू ट्रिप्स इनटू डेज। अब मेरा ध्यान जा रहा है बच्चों लास्ट पैराग्राफ में, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ जो, ऑन आउटवर्ड ट्रिप फ्रेट फुल, जति वक्त माल फुल हो जन रिटर्न में 60%, तो आउटवर्ड और रिटर्न का अलग अलग गिनना पड़ेगा। यस आउटवर्ड अने रिटर्न, बोलो आउटवर्ड के समय किलोमीटर कितने हैं, तो छेलो पैराग्राफ जो बच्चों, हाँ 40 किलोमीटर दिखाई दे मैंने, जति वक्त किलोमीटर 40, तो रिटर्न में भी किलोमीटर 40, कैपेसिटी जाते समय फुल यानी पहली लाइन में 5 टन से पूरा, रिटर्न में 5 टन का 60 यानी 3 टन ट्रिप्स। फर्स्ट पैराग्राफ देखो टेबल के नीचे, द ट्रक कैरीज डिस्टेंस 40 किलोमीटर, उसके नीचे ईच वे द ट्रक मेक टू राउंड ट्रिप। टू राउंड ट्रिप का मीनिंग बोलो, चार ट्रिप का मीनिंग शू थाय, बे जवानी बे आवानी, टोटल बे राउंड ट्रिप ने डबल करने, एक ट्रिप एनो अर्थ एक बार जाओ, एक राउंड ट्रिप એટલે डबल, एक राउंड ट्रिप એટલે બે ટ્રિપ, તો दो ट्रिप ऊपर रहेगी और दो ट्रिप नीचे, એટલે चार राउंड ट्रिप થઈ ગઈ। हाँ बे राउंड ट्रिप एनो अर्थ चार ट्रिप, आ याद रखो बराबर। ओके डेज कौन से महीने का समय वो नहीं बोला है, पर दिन दे दिए 25, दिन दिए 25, जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, यस पहले में आएगा आई थिंक किलोमीटर कहाँ गिना है मैंने, यस जाते समय 50 इंटू पैसेंजर किलोमीटर, सम नंबर 35 है ना, नहीं बच्चों मैं चेक कर लेता हूँ, पिन नंबर घूम हो गया, यस मल्टीप्लाई मुझे खुद ही करना होगा बच्चों, मैं चेकिंग कर लेता हूँ, आप लोग भी मल्टीप्लाई कीजिए। चलो अब बच्चों मैं लाइव आपके सामने मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मेरे पास टोटल अवेलेबल नहीं है, 40 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 25, 40 किलोमीटर इंटू 5 टन इंटू 2 ट्रिप इंटू 25, यानी ऊपर आएगा बच्चों 10,000 पैसेंजर किलोमीटर अथवा टन किलोमीटर, यस 40 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 25, नीचे आएगा आई थिंक 6,000, मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, यस टोटल टल किलोमीटर टेक्स्ट बुक में, यस आउट ऑफ 40 × 2 × 25 × 5 टन मल्टीप्लाई करोगे 10,000 आएगा, और नीचे 40 × 2 × 25 × 2.5 टन, यहाँ बच्चों कैपेसिटी मैंने गलत दी हुई है, 50% बोला है, यस 2.5 यानी आएगा 5,000, ये हो गया टोटल टन किलोमीटर 15,000। मदद नहीं है बच्चों, अपने आप किया तो मे बी मिस्टेक हो गई, आप लोग चेकिंग कर लेना, यस आई थिंक एकदम करेक्ट है, यस चेकिंग कर लिया मैंने, 50% कैपेसिटी है। अब बच्चों मुझे कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में ज़रूरत पड़ती है ओनली किलोमीटर की, तो मैं ऊपर का जो आउटवर्ड और रिटर्न है उसमें से टन निकाल दूँ, 40 × 2 × 25 40 × 2 × 25 25 2 50 5 4 20 2000
2000, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं 4000 किलोमीटर ओनली आएंगे, फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ, 40 × 2 × 25, यस 2000 आएंगे, एकदम सही है। अब बच्चों मैं आपके सामने स्टेटमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ, नज़र बोर्ड पे, स्टेटमेंट शोइंग ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट, बराबर ध्यान आप जो बड़को, यस चल, सबसे पहले पर्टिकुलर्स, फिर मंथली और फिर पर टन किलोमीटर, इसमें टॉप पे टन किलोमीटर यहाँ रख देता हूँ मैं 15,000। फिर आएगा बच्चों स्टेटमेंट का पहला वर्ड फिक्स्ड कॉस्ट, फरी बच्चों फिक्स मासू अवे नक्की नहीं, ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर बच्चों खास ध्यान ये रखना है, यहाँ जब आप कैलकुलेशन टन किलोमीटर या किलोमीटर का करते हो तो एक ट्रिप का मीनिंग, सॉरी एक राउंड ट्रिप का मीनिंग दो ट्रिप है, एक राउंड ट्रिप दो ट्रिप, दो राउंड ट्रिप चार ट्रिप, डबल ट्रिप में गणतरी लेवानी जा ध्यान रखो, ओके। चलो फिक्स में क्या है, फिक्स में वेरिएबल में क्या आएगा, डेप्रिसिएशन, रिपेयरिंग, पावर, पेट्रोल डीजल, टायर ट्यूब, उसके सिवा ना समझ आए वो फिक्स। चलो मैं रीडिंग कर रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ ट्रक, एस्टिमेटेड लाइफ, स्क्रैप वैल्यू, वेरिएबल डीजल, वेरिएबल ड्राइवर सैलरी, हाँ वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, वैल्यू बोलो तो ड्राइवर का सैलरी है बच्चों मेरे पास 1800 रुपये पर मंथ, सेकेंड है क्लीनर सैलरी, क्लीनर का सैलरी है हमारे पास 1200 रुपये पर मंथ, तीन नंबर में रिपेयरिंग वेरिएबल, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के अंदर बोला है बच्चों 4.8% ऑफ ट्रक वैल्यू, ट्रक की वैल्यू है 3 लाख, उसका 4.8% निकालो तो यस 3 लाख का 4.8% निकालोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 14,400। अब ये 14,400 पर एनम है, इसको डिवाइड करो 12 से, यस जैसे 12 से डिवाइड किया बच्चों वैल्यू हो गई 1200। चलो उसके बाद टैक्स ले लो, चार नंबर में टैक्स की वैल्यू है 7200 पर एनम, ना चाले डिवाइड बाय 12, 600 रुपये, आंसर में चेक करते जाओ बच्चों, यस सही है। उसके बाद पांच नंबर में जनरल सुपरविजन चार्ज, उसके अंदर वैल्यू है 14,400 पर एनम, डिवाइड बाय 12 करोगे तो वैल्यू आएगी आई थिंक 1200 रुपये, यस। और जैसे बच्चों यहाँ आप टोटल करोगे ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट का काम पूरा हुआ, फिक्स्ड कॉस्ट टोटल आएगी बच्चों मेरे ख्याल से 6000 रुपये, आप लोग टैली कर सकते हो, 6000 को आप डिवाइड करोगे 15000 से तो पर टन किलोमीटर वैल्यू आवसे बच्चों 0.40। अब दिखने में गड़बड़ हो रही है इसलिए मैं वेरिएबल इस तरफ कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है, बोर्ड के ऊपर बच्चों ऑनलाइन में थोड़ा लिमिटेशंस आ जाता है। चलो अब डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला बच्चों, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ, मशीन का कॉस्ट मुझे पहली लाइन में दिख रहा है 3 लाख, स्क्रैप वैल्यू 30,000, लाइफ 10 ईयर, जैसे डिवाइड करोगे बच्चों वैल्यू आएगी 270 डिवाइड बाय 10 27,000, पर ये भी पर एनम है, इसको आप 12 से डिवाइड करोगे तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू आएगी 2250। अब इसको बच्चों डिविडेंड डिवाइड एक साथ में मशीन से कर लूँगा। चलो उसके बाद सेकंड एक्सपेंडिचर है बच्चों डीजल ऑयल, डीजल ऑयल उसके अंदर मुझे दिखा हुआ है 40 रुपये पर ट्रिप ईच वे, 40 रुपये के वजह पर ट्रिप ना चले मुझे चाहिए मंथली। अब 40 रुपये एक ट्रिप पे, सोचो एक दिवस में कितनी ट्रिप थाई जे, दो राउंड ट्रिप पहले चार ट्रिप थाई तो टोटल आएगी 4 ट्रिप × मंथ में डेज कितने हैं 25, 25×100 × 4 आई थिंक डीजल आएगा 4000 रुपये। उसके बाद बच्चों फरी जो 40 रुपये पर ट्रिप, चार ट्रिप एक दिवस नहीं 25 दिवस, उसके बाद बच्चों मुझे दिखाई दे रहा है क्लीनर से रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस,
रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस की वैल्यू है मेरे पास 15,000 पर एनम। 15,000 को भी 12 से डिवाइड करोगे बच्चों तो मंथली रिपेयर्स आएगा आई थिंक 1250। अब मैं चेकिंग कर लूँ बच्चों, लगभग सारे खर्च आ चुके हैं। यस आई थिंक फिनिश्ड। जैसे यहाँ टोटल करोगे बच्चों, ये हो गया आपका वेरिएबल कॉस्ट, फिर आएगा ओवरऑल टोटल कॉस्ट, जिसके अंदर जो सूचना है उसके मुताबिक हम प्रॉफिट ऐड करेंगे बच्चों। तो यहाँ मिल जाएगा हमें रेंट, या फिर उसे नाम दिया जाता है फेयर। ठीक है, चलो अब बच्चों मैं पहले इसका टोटल करूँ। चलो 2250 डिवाइड बाय 15,000 तो 0.15 आएगा पर टन किलोमीटर। ये मंथली है, यहाँ पर टन है। 4,000 डिवाइड बाय 15,000 करोगे तो आएगा 0.27। 1250 डिवाइड बाय 15,000 करोगे तो आएगा 0.083। ठीक है, अब बच्चों वेरिएबल का टोटल करूँ, 2250, 4,000 अने 1250, वैल्यू है 7500। 6,000 प्लस 7500 करोगे बच्चों तो टोटल कॉस्ट आएगी यस 13,500। और जैसे 13,500 आए, 13,500 डिवाइड बाय यस 15,000 करोगे तो वैल्यू आएगी 0.90। ठीक है, चलो बच्चों अब प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है अब पॉइंट नंबर टू। अब ये पहला आंसर आ गया, ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर, दिस इज कॉल आंसर नंबर वन। ठीक है, जवाब चेक करो बुक में, एकदम सही आ जाता है बच्चों। बीजो जवाब अही थी विचित्र से बाड़को, थोड़ा ध्यान आप जो यहां तक का हमने आगे के दो सब में भी गिनती किया हुआ है, अब थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा नजर बोर्ड पे। चल अब सेकंड क्वेश्चन, रेट पर टन किलोमीटर दैट द कंपनी शुड चार्ज इफ 50% प्रॉफिट ऑन फ्रेटेज। अब प्रॉफिट कितना लेवानो छे 50%, किसके ऊपर, ये फेयर यानी फ्रेटेज आंसर के ऊपर। अब आंसर मेरे पास नहीं है तो नजर इस तरफ, नोट नंबर थ्री, सपोज फेयर या फ्रेटेज 100, उसके ऊपर कितना प्रॉफिट 50, माइनस करो तो कॉस्ट कितनी मित्रों 50। अब पद रखो 50 कॉस्ट पे मेरे पास पर टन किलोमीटर कॉस्ट है 0.90 कॉस्ट, तो 100 पे हाउ मच, जैसे पद रखोगे बच्चों फेयर आएगा 1.80, ये रखा, और जैसे 1.80 है उसका 50% लो यानी 0.90, और यहाँ 13,500 की जगह में यह वैल्यू लेने दो, यहाँ आएगा 27,000, इसका 50% लोगे तो वैल्यू आएगी 13,500। ये हो गया बच्चों आपका आंसर नंबर टू, पर टन किलोमीटर फ्रेटेज या फेयर। मैं आंसर चेक करूं बच्चों, यस एकदम सही है, लास्ट पैराग्राफ में आ जाता है। अब बच्चों एक यहाँ तीसरा आंसर मांगा है, मैं वीडियो में चेक कर लेता हूँ, बोर्ड पे मुझे कहीं भी जगह दिखाई नहीं दे रही है, अब मुझे स्पेशली आपके लिए जगह करके सेटिंग करना होगा। ठीक है, तो यहाँ बच्चों वीडियो पोस्ट करके आप नोट कर देना, ये पहली नोट में निकाल देता हूँ। ठीक है, यस अब यहाँ मैं गिनने जा रहा हूँ आंसर नंबर थ्री, मैं रीडिंग कर रहा हूं, फ्रेटेज ऑफ ईच आउटवर्टिव, फेयर ऑफ आउटवर्ड ट्रिप। अब देखना बच्चों मैं कैसे गिनता हूं, खाली जाने का भाड़ा, यहां से आप जाते हो तो कितने किलोमीटर जाते हो 40 किलोमीटर, माल कितना जाता है गाड़ी में 5 टन, ट्रिप कितनी हुई 1 ट्रिप, फेयर कितना है तो 1.80 रुपीस पर टन फेयर है, मल्टीप्लाई करो तो जैसे बच्चों आप मल्टीप्लाई करोगे 40 × 5 × 1 200 × 1.80 करोगे, फेयर आएगा 360 रुपीस। आंसर चेक करो बच्चों, दिस इज कॉल पावर ऑफ गोल्डन ट्रांसपोर्ट, मोस्ट एम्बिशम। कैसे मैंने बच्चों आउटवर्ड रिटर्न काउंटिंग किया, ये ओवरऑल यूनिवर्सिटी का फेवरेट समय बच्चों, एकदम आराम से वीडियो पोस्ट करो,
एक एक आंसर को देखो बच्चों और नोटिंग कर लो। और यहाँ मैंने ये डिवीजन अपने आप किया है तो आप लोग चेक कर लेना, मेरे पास गिना हुआ सम नहीं है, कोई भी भूल हो तो आप देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तीन आंसर, ऑपरेटिंग कॉस्ट, प्रॉफिट ऐड हुआ। प्रॉफिट कैसे फाइंड किया तो उसका सपोज ये नोटिंग देख लो बच्चों, इसको थोड़ा मैं हाईलाइट कर देता हूँ। यस, ये मैंने कैसे फाइंड किया वो देख लो। अगर कॉस्ट पे बोला होता तो सीधा लेना है, फ्रेटेज पे बोला हो तो यहाँ बच्चों सेलिंग प्राइस की जगह पे फेयर वर्ड यूज होगा। अरे नॉट नंबर थ्री कैसे काउंट किया देख लो, एकदम आराम से बच्चों लिखो पूरा लेक्चर, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सम मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेने जा रहा हूँ। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन for notifications.